वो रैपिडो स्कैम फ्रॉड होता है ना, वो आज राइड मेरे पास आई थी जब मैं ट्रांसपोर्ट नगर में था, तो मेरे पास वही एयरपोर्ट से राइड आई थी हजर। आपको फ़ोन कर रहा था मैं, राइड कैंसिल करने जा रहा था, आप उठा नहीं रहे थे, अब मैसेज कर दे, चैट कर देते। मुझे पता था ये वही वाला स्कैमर है, ठीक है, पैसे पहले ट्रांसफ़र करने के लिए बोले। 8 5 8 7 1 5 1 8 फिर से एक बार 8 7 1 8। अच्छा, अरे यार फिर से 5 7 1 8 एक मिनट लाइए मैम, कितना आपका वोट सर? अभी जो टाइम हो रहा है 8:26 हो रहा है, लॉग इन हो चुके हैं, बाइक की जो रीडिंग है और 9 7 7 है, ठीक है। सर हमारी आज की पहली ट्रिप तो कंप्लीट हो चुकी है, ओला पे अर्जुनगंज आए थे, ठीक है, एमएमओ, एंड देन यार अभी एक ऊबर पे राइड आई है आशियाने की, और यार आज क्या राइडें आ रही यार, और यही एक मतलब यार डिसएडवांटेज भी है, किस दिन ज़्यादा राइड आती, इतना लॉन्ग पिकअप आ रहा है यार, इतना लॉन्ग पिकअप, एंड आज ऊबर ने 15 मिनट के लिए मेरा अकाउंट जो है होल्ड पे कर दिया था, क्योंकि यार राइडें इतनी मतलब वो एक्सेप्ट हो जा रही थी यार, बिना मतलब वो किया कैंसिल हो गए कंटिन्यू 3 राइड है, क्योंकि जिस सबका पिकअप लोकेशन ना 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आ रहा था, पहले आ रहा था 2 किलोमीटर, एक्सेप्ट करने के बाद वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हो रहा था, फिर कैंसिल करना पड़ रहा था, और बहुत ज़्यादा आज राइड आ रही है यार, इतना सर्च बना हुआ है ना, फिर मैं क्या करूँ, मैं हूँ अर्जुनगंज में, राइडें आ रही हैं यार, मैं मतलब यार 5 5 किलोमीटर से गोल्फ सिटी से, मतलब आउटर गोल्फ सिटी से, तो फिर इसके पहले अभी राइड आई थी हमारे पास, ठीक है, हम लोग हैं एमएमआऊ के पास, राइड आ रही है गोमती नगर से, मैंने एक्सेप्ट भी किया था क्योंकि फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, मतलब 6 किलोमीटर का 90 रुपीज़ मिल रहा था, 5 किलोमीटर पिकअप था, मतलब 11 किलोमीटर का 90 रुपीज़ मिल रहा था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। जी मैम, मतलब मैं समझा नहीं, सीधे आ जाओ, अच्छा लास्ट में आके राइट टर्न ले लूँगा तो आप मिल जाओगे। सर कस्टमर ने कुछ अभी नेविगेट किया कि मतलब जो टर्न दिखा रहा वहाँ से आपको राइट नहीं लेना, आपको बिल्कुल सीधे आना है, थोड़ी सी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं कहाँ से राइट लेना है, बट चलो वो तो अब जाने पे ही पता चलेगा। लोकेशन बहुत अजीब था यार, पिन क्या मैम? 8 5 8 7 1 5 1 8 फिर से एक बार 8 7 1 8। अच्छा, अरे यार फिर से 5 7 1 8 एक मिनट लाइए मैम, कितना आपका ओटीपी है? 5 7 1 8 मैम, बैठिए मैम, चलें ये जैसे आए थे वैसे ही चलना है ना, एमएमओ हो के ना, ठीक एमएमओ हो के नहीं मैदान का हो। अच्छा ऑनलाइन करेंगे? हाँ 170। तो यार एक नाका हिंडोला की राइड आई है, बट क्या है ना अभी फ्यूल डला लेते हैं यार, कस्टमर राइड कैंसिल कर दे तो ठीक है, बट बिना फ्यूल डलाया अभी नहीं जाएंगे यार, फ्यूल आज डलाया ही नहीं, ठीक है, और कल बहुत ज़्यादा काम कर लिया था तो फ्यूल अभी बचा नहीं है, और यहाँ पे एक चाय भी पीना यार गुरुद्वारे के पास, ठीक है, तो चलो मिलते हैं अभी राइड पे। आपने क्या पहना हुआ है आप बताइए, कुछ कैसे पहचाने? मैं अभी मूर्ति के पास में हूँ। अच्छा देख लिया आपको, देख लिया। ओटी भी बता दीजिए। बढ़िया लगाए हुए हो एकदम, 66 29 66 29। इतना टाइम दिखा रहा है दोस्त? 10 मिनट लगेगा। हाँ बस ठीक है, चलो यहीं पे सर। यहीं पे ना बस पीछे ही रखो,
गुड हो जाएगा सर। तो चलो हमारे पास एक और राइड आ चुकी है एंड अभी चलो राइड तो आ रही है काफी ज्यादा यार। आज राइड का इशू नहीं है ठीक है ना, पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ ज्यादा ही राइड आ रही है यार, बहुत ज्यादा राइड आ रही है और जिसकी वजह से यार काम नहीं हो पा रहा है, मतलब हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब सुकून नहीं है यार कौन सी राइड करे, इतना लॉन्ग पिकअप इतनी राइड आ रही है ना। अगर आप आज मकर संक्रांति है तो आपको पता होगा, अगर आप काम पे हो तो आज कितनी ज्यादा राइडें आ रही है, लॉन्ग पिकअप ज्यादा आ रहा है, छोटी राइडें ज्यादा आ रही हैं। सो ये भी एक छोटी सी राइड है, हमने कहा बस गाड़ी चलते रहना चाहिए ठीक है, रुकना नहीं चाहिए, काम होते रहना चाहिए, अर्निंग होती रहनी चाहिए ठीक है। आपका उबर ना फिर बता दे 3879 रोक दो। हाँ हाँ बस थर्टी थ्री बट इसके पहले जो सर्च बने हुए थे ना यार काफी मतलब ज्यादा है ना, अभी मतलब अभी राइड मतलब ओटीपी डाला और राइड के लिए भी जा ही रहे हैं जब तक तो दूसरी राइड आ रही है, मतलब ऑन राइड आ रही है बट 6-6 किलोमीटर अभी पीछे है फिर भी आ रही है राइड है, समझ रहे हो, क्योंकि अभी मतलब कोई राइड लेके जा रहा हूँ अभी उसमें 6-7 किलोमीटर बचा हुआ है उसको राइड भी कंप्लीट करने में, फिर से हमारे पास राइड आ जा रही है, एक्सेप्ट करने के बाद से कस्टमर राइड कैंसिल कर देगा क्योंकि वो देख रहा है कि भाई अभी तो 6 किलोमीटर है तो भाई इतना लॉन्ग आ रहे हैं, चलो फिर थोड़ा सा आराम करते यार क्योंकि जब से राइड स्टार्ट किया ना बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यू राइड है मैंने किया है ठीक है। सो उबर अभी आज काम दिया है, अभी 250 रुपये काम हुआ है तो 2 घंटे में लगभग 350 का काम हो चुका है। सो अभी वृंदावन में चलो इधर कहीं वेट करते राइड का, और कोशिश तो ये यार कि यहाँ से कोई बड़ी राइड आए गोमती नगर की यार, या फिर जो भी है बड़ी राइड आए यहाँ से, छोटी तो अब कर चुके हैं जितना करना चाहिए था। सो यार मतलब यही है यार बस, यहाँ पे चाय वाय मिलती है क्योंकि आज तो लंच लाए नहीं है तो आज लगता है कहीं चाय वाय पीना पड़ेगा। सो चलो अभी लगता है थोड़ा मौसम थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगा, अभी शायद 11 बज रहा है, अभी 11:15 हो रहा है। सो अभी यार चाय वाला तो उधर खुला हुआ है ठीक है, इधर भी है यार। सो चलो आप लोगों से मिलते हैं चाय वाय पीने के बाद से और राइड पे ठीक है। सो यार काफ़ी टाइम वेट करने के बाद से हमारे फिर रैपिडो पे राइड आई ठीक है, उबर पे राइडें आ रही थी यार बट काफ़ी शॉर्ट राइड आ रही थी एंड काफ़ी लॉन्ग पिकअप आ रहा था, मैंने कहा आटा यार अभी इतना छोटा छोटा राइड है थोड़ी ना करेंगे, लॉन्ग पिकअप 5-5, 6-6 किलोमीटर का पिकअप आ रहा है, हम लोग वृंदावन में राइडें आ रही है नीलमत्ता से उटरटिया रेलवे स्टेशन से, तो यार फाइनली फिर रैपिडो पे राइड आई प्लासियो की है, सामने का चलो एंड अभी धूप निकल आई ठीक है, तो मज़ा आता है यार ठंडी में धूप आ जाए तो, गर्मी में तो बिल्कुल काम नहीं हो पाता, ठंडी में थोड़ा आदमी काम कर भी लेता है ना क्योंकि इसमें मतलब थकान फील नहीं होता, ठंडी तो लगती है बट गर्मी में ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि मतलब हर राइड के बाद से मतलब यार आपको रेस्ट लेना पड़ता है, फिर छा एरिया खोजना पड़ता है यार कि छा कहाँ है पेड़ पौधे कहाँ हैं, ठंडी में क्या कहीं भी खड़े होकर राइड का वेट कर रहे हैं, तो ठंडी तो तब भी सही है यार, गर्मी से तो अच्छा ठंडी है भले कितनी भी ठंडी पड़े कोई उसका इशू नहीं है। और कस्टमर को तो लेट हो रहा है यार, बस कस्टमर तेज बाइक चलाने के लिए ना बोले। आपको फ़ोन कर रहा था मैं राइड कैंसिल करने जा रहा था, आप उठा नहीं रहे थे, मैसेज कर दे चैट कर देते, पिन बता दीजिए 06 06 पेमेंट किया तो नहीं है ना मैम,
नहीं नहीं पेमेंट नहीं किया। आप हमें करोगे ना? हाँ ऑनलाइन करोगे। कितना दिखा रहा है? 68 रुपीस। ठीक है बैठ जाइए। लेट हो गया ऑलरेडी बहुत। थोड़ा बहुत तो लेट चलता है। अरे चलता है, सीनियर्स नहीं समझते ना इस चीज़ को। बोल दिया तो फेस्टिवल है, लेट तो चलता है। ऊपर जो बैठे हैं उनको समझ में नहीं आता है सब। आज नौकरी को रिजाइन दे दीजिए, छोड़ दीजिए, दूसरा ट्राई कीजिए। रिजाइन देना आसान नहीं, बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा यहीं पे। हाँ। अभी आप दूसरा फ़ोन ले लीजिए, इसका बहुत बुरा कंडीशन हो चुका है। नहीं नहीं है ये। मुझे लगता है आपका फ़ोन 3-4 साल पुराना है। है तो 1 साल पुराना ही, ऊपर चिड़क जाता है। अभी आप आईफोन लीजिए, क्लासियो में जॉब करते हो, अच्छे पोस्ट पे हो तो ठीक है। ओके नहीं मैम, ऐसे को बचा के रखना, सेव करके रखना, हवा उतना जरूरी नहीं है। तो चलो अपनी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है ऊबर की। अभी हम लोग प्लासियो पे हैं एंड किधर थोड़ा धूप का मजा लिया जाए यार, इधर ही साइड में खड़े रहते हैं। किधर चलें? सो यार वेट करें कि क्या करें? तो चलो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड पे। सर हम लोग अभी भी मतलब प्लासियो के पीछे ओमेक सिटी की तरफ है, ठीक है, ओमेक एजेंसी की तरफ है। सर प्लासियो से हमारी एक राइड आई थी नादरगंज की, फिर नादरगंज में क्या था कि फिर हम लोग वापस आ रहे थे इधर, ठीक है, औरंगाबाद की तरफ। मतलब वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर से तो राइड आती नहीं, तो हमने कहा चलो यहाँ से चलते हैं यार, ठीक है। तो औरंगाबाद पुल के नीचे से आए तो वहाँ से हमारी एक राइड जस्ट आ गई थी तुरंत यहाँ की ओमेक्स की, ठीक है। तो बैक टू बैक दो राइडें हो गई और तो 200 रुपये का। तो आज अभी तक जो टोटल काम हुआ है, मतलब अभी जो 2:30 बज रहा है अप्रॉक्स, 6 घंटे में जो आज की हमारी अर्निंग हुई है सुबह 8:30 से एंड अभी 2:30 बजे तक 650 की अर्निंग हो गई है। तो अच्छी अर्निंग है, मतलब 6 घंटे में 650 की अर्निंग। सो बस यही है यार, मतलब आज काम हुआ है, ठीक है। लग नहीं रहा था यार क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा राइडें स्किप हुई है, कैंसिल हुई है, तो मुझे लगा कि आज काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जिस तरह से ऊबर मतलब मेरे को राइड नहीं दे रहा था तो मुझे लगा था कि ऊबर पे अब डिपेंड रहना सही नहीं है। तो फिर मैं रैपिडो भी कर रहा था, ओला भी, इन ड्राइव भी, बट इन ड्राइव पे भी तो राइड आपको पता ही है यार, एक्सेप्ट होती है कभी नहीं होती है, और फेयर कम रहता है तो वैसे भी मैं नहीं डालता यार। और एक चीज़ और बता दे रहा यार, जो रैपिडो स्कैम फ्रॉड होता है ना, वो आज राइड मेरे पास आई थी। जब मैं ट्रांसपोर्ट नगर में था तो मेरे पास वही एयरपोर्ट से राइड आई थी, हजरतगंज की थी, बाइक की राइड थी, लगभग 18 किलोमीटर का था। वो बंदा मेरे को पहले मैंने कॉल किया यार, मुझे पता था ये वही वाला स्कैमर है, ठीक है, पैसे पहले ट्रांसफ़र करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो हमने कहा सर आपकी राइड है? कह रहा कि हाँ राइड है, आप आ जाइए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। हमने कहा सर मतलब आप पहले पेमेंट करोगे? कह रहा कि हाँ पहले पेमेंट कर देंगे, उसके बाद से चलेंगे। हमने कहा ठीक है सर मैं आता हूँ, आप कहाँ पे हो, एयरपोर्ट के अंदर आना है या बाहर आना है, ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने फिर फ़ोन काट दिया, फिर राइड कैंसिल कर दी। फिर मेरे को तो पता था यार वो एयरपोर्ट से राइड ना आप कभी पिक मत किया करो यार, वहाँ पे सिर्फ फ्रॉड स्कैम वाली राइडें आती है, आपको पता है रैपिडो पे। सो यार मैं उसको बहुत अच्छे से सुनाने वाला था, ठीक है, लेने वाला था कायदे से उसकी, बट उसने पहले ही फ़ोन काट दिया और राइड कैंसिल कर दी तुरंत। उसने मतलब बात होते होते उसने फिर फ़ोन काट दिया, तुरंत राइड कैंसिल की। और मैं तो वैसे भी नहीं जाने वाला था यार, ठीक है, बट मैं तो पता था यार, मैं तो बस मज़े लेने के लिए। बट सो यही सीन है यार कि अभी थोड़ा मौसम भी साफ हो गया, ठीक है, तो काम भी अच्छा हो गया। तो यही चीज़ है यार कि मतलब 2 दिन से ना काम, कल तो काम बहुत अच्छा गया था, संडे के दिन एक्सपेक्ट से ज़्यादा काम अच्छा हो गया था, ठीक है, एंड आज भी जो काम है वो अच्छा हो गया, 6 घंटे के हिसाब से 650। ऐसे दिन भर में या 10-10 घंटे में ना 12-12 घंटे में इतना काम नहीं हो पाता है, ठीक है, बट आज काम अच्छा हो गया है। सो अभी देखते हैं यार आज कितना काम हो पाता है, ठीक है, हम देखेंगे। तो पूरा शरीर थक गया था यार, कल इतना ज़्यादा काम कर लिया और इतनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो गई थी, देन आज भी काम अच्छा हो गया, मेहनत किया, ठीक है, बैक टू बैक कंटिन्यू राइड है मैंने की, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप वेट करना पड़ा था, राइड आती रही, ठीक है। सो बस यही है यार, रैपिडो फ्रॉड स्कैम से बचो, कोई भी पहले ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोले तो आप उससे थोड़ा बच के रहना, कोई भी पहले पेमेंट नहीं करता यार, समझ रहे हो ना।
और वो बोले फिर आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, आप एक्स्ट्रा जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में भेज दो। तो ऐसी गलती मत करना है, कभी भी किसी का पैसा आ भी जाए ना तो किसी को वापस नहीं करने का, समझे। सो बस यही है यार, रैपिडो फ्रॉड स्कैम से आप बच के रहे ना, कस्टमर की तरफ से जो फ्रॉड होता है। और ये सारा 99% जो फ्रॉड स्कैम होता है वो एयरपोर्ट की राइडों पे होता है, और 99.100% जो ये स्कैम होता है फ्रॉड वाला वो सिर्फ रैपिडो पे ही होता है। सो आप लोग तो होशियार हो ही, बताने की ज़रूरत नहीं है, बच के रहना, ठीक है। बस बाइक टैक्सी से जो जॉब है, बाइक टैक्सी जॉब वो बहुत मेहनत वाला जॉब है, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं हम लोग। तो हम लोग नहीं चाहते यार कि कोई हमारा पैसा फ्रॉड स्कैम कर दे, ठीक है। बस चलो यार, राइड का वेट करते हैं, कोई राइड आते हैं आपको अपडेट देते हैं, ठीक है, चलो।